कैदी और कोकिला। कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हमारी ये कविता आजादी से काफी साल पहले की है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में बंद कर दिया था। वहां जेल में चोर, डाकुओं और लुटेरों के बीच उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था। ना खाने को पेट भर खाना मिलता था और ना पीने को पानी। भूखे प्यासे उनसे सारा दिन काम करवाने के बावजूद भी उन्हें रात को हंसना मुस्कुराना तो दूर की बात, उन्हें तो चैन से सोने भी नहीं दिया जाता था। इसी टॉर्चर के बीच एक रात को माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी काल कोठरी में सोने जा रहे थे कि तभी वहाँ पेड़ की डाल में एक कोयल आकर बैठ जाती है और जोर जोर से गाना गाने लगती है, जिसे देख माखनलाल चतुर्वेदी जी उससे पूछते हैं कि तुम इतनी रात को इतनी तेज तेज भला क्यों गा रही हो, कहीं तुम मेरे लिए किसी का कोई संदेश तो नहीं लाई हो। और उसी कोयल से बात करते हुए और उससे अपनी हालात कंपेयर करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी इस पोयम को लिखते हैं। और वो पोयम के पहले स्टैंजा में कहते हैं, क्या गाती हो, मतलब हे कोयल तुम इतनी रात को क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, और बीच बीच में तुम गाते गाते रुक क्यों जाती हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ ना, क्या लाती हो, मतलब तुम क्या लाई हो, संदेशा किसका है, कहीं तुम मेरे लिए किसी का संदेशा तो नहीं लाई हो, कोकिल बोलो तो, मतलब कोयल बताओ ना। तो हमारे इस पहले स्टैंजा में हमने देखा कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछते हैं, तुम क्या गा रही हो और गाते गाते बीच बीच में तुम यूं रुक क्यों जाती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए किसी का कोई संदेशा लाई हुई हो। और हमारे इस छोटे से स्टैंजा से आपके लिए ये रहा एक प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्यों रह रह जाती हो से कवि का क्या तात्पर्य है, जवाब आपको नीचे कमेंट्स के थ्रू देना है। एंड सोचने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो हमारे इस पहले स्टैंजा में क्यों रह रह जाती हो से कवि का तात्पर्य रुक रुक कर गाना गाने से है। इसी प्रकार हमारे दूसरे स्टैंजा में कवि कहते हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मतलब देखो तो इन अंग्रेजों ने हमें इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के बीच जेल में बंद कर दिया है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार मतलब होता है सामान लूटने वाले, और हमें तो डाकू चोरों और सामान लूटने वाले बटमारों के साथ रखा जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मतलब हमें तो पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता है। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ये ब्रिटिशर्स तो हमें चैन से मरने भी नहीं देते, ये तो हमें तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। हमारे इसी स्टैंजा की आगे की लाइनों में कवि कहते हैं, जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, मतलब इन ब्रिटिशर्स के द्वारा हम पर दिन रात बड़ा ही कड़ा पहरा रखा जाता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, तम मतलब होता है अंधेरा या अंधकार, अर्थात ये ब्रिटिशर्स का शासन है। अरे इसे तो देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में तम मतलब अंधकार छा गया हो। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर मतलब होता है चंद्रमा, अर्थात अब तो हिमकर मतलब चंद्रमा भी हमें निराश करते हुए आसमान से चला गया है, और ब्रिटिशर्स के शासन की तरह ये रात भी एकदम काली हो गई है। इस समय काली मामयी जागी क्यों आली, काली मामयी मतलब होता है काले रंग की, और आली मतलब दोस्त, अर्थात हे काली मामयी मतलब काले रंग की कोयल, तुम इतने अंधकार से भरी काली रात में भला क्यों जाग रही हो मेरी दोस्त। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि बताते हैं, उन्हें ऊंची ऊंची काली दीवारों वाली जेलों के अंदर बंद करके रखा गया है, चोर डाकुओं और सामान लूटने वाले लुटेरों के बीच में। ना ही तो उन्हें पेट भर कर खाना दिया जाता है, और ना ही चैन से मरने ही दिया जाता है। इन ब्रिटिशर्स का शासन तो इतना स्ट्रिक्ट है कि ऐसा लगता है मानो ये शासन नहीं
बल्कि देश के ऊपर अंधकार छाया हो। जब कवि कोयल से बात कर रहे थे तभी आसमान से चंद्रमा भी गायब हो जाता है और कवि उस कोयल से पूछते हैं, अब तो आसमान से चंद्रमा भी चला गया है, इस काली रात में तुम क्यों जग रही हो मेरी दोस्त। तो हमारे इस छोटे से स्टैंजा से ये रहा आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, इस लाइन में तम शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, ऑप्शन बी काली रात, ऑप्शन सी अंधकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी अंधकार। तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, क्यों हूंक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। यहाँ पे दोनों ही शब्द हूक और वेदना का एक ही अर्थ है और वो है दुख या दर्द। अर्थात कोयल, तुम इतनी दर्द में क्यों हो, तुम कौन से दुख के बोझ में हो। कोकिल, बोलो तो कोयल, बताओ ना, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल मतलब होता है मिठास और वैभव मतलब शोभा या शानो शौकत। अर्थात तुम्हारा क्या लुट गया है, तुम तो मिठास और शानो शौकत की प्रतीक हो ना। कोकिल, बोलो तो, मतलब कोयल, बताओ ना। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल से पूछते हैं कि तुम इतनी दर्द में क्यों हो, तुम किस दुख के दर्द में दबी हुई हो, कहीं ब्रिटिशर्स ने तुमसे तुम्हारी मिठास तुम्हारा वैभव तो नहीं लूट लिया। और ये रहा इस स्टैंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्यों हूक पड़ी। इस लाइन में हूक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चिल्लाना, ऑप्शन बी हड़बड़ाना, ऑप्शन सी दुख या ऑप्शन डी जल्दबाजी। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी दुख या दर्द। तो वहीं हमारे अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, क्या हुआ बावली अर्धरात्रि क्यों चीखी। बावली मतलब होता है पागल और अर्धरात्रि मतलब आधी रात को। अर्थात क्या हुआ पागल, ऐसे आधी रात को क्यों चीख रही हो। कोकिल, बोलो तो, मतलब कोयल, बताओ ना। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल मतलब होता है जंगल की आग। अर्थात तुमने किसी जंगल की आग देख ली है क्या। कोकिल, बोलो तो, मतलब कोयल, बताओ ना। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि कोयल को बावली मतलब पागल बोलते हुए कहते हैं, अरे इतनी रात को शोर क्यों मचा रही हो, किसी जंगल की आग वाग देख ली हो क्या। और ये रहा इस छोटे से स्टैंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। इस लाइन में दावानल शब्द का क्या अर्थ है? और आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है जंगल की आग। तो हमारे अगले स्टैंजा में कवि कोयल को अपने हालात बताते हुए कहते हैं, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। मतलब कोयल, क्या तुम मुझ पर बंधी इन जंजीरों को देख नहीं पा रही हो। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। अरे मेरे हाथ में ये हथकड़ियां थोड़ी हैं, ये तो ब्रिटिश राज में हम स्वतंत्रता सेनानियों का गहना है जिसे हम गर्व से पहनते हैं। कोल्हू का चर्रक चूर, कोल्हू मतलब होता है एक इक्विपमेंट जिसे पहले के समय में तेल निकालने के लिए यूज किया जाता था। इसमें बीच में एक ओखली होती थी जिसमें बहुत सारा सरसों डाल दिया जाता था और साइड में एक मोटे से डंडे के साथ बैलों को या कैदियों को बांध दिया जाता था जो गोल गोल घूमते थे, जिससे सरसों या किसी और चीज का तेल निकाला जाता था। कवि वही कहते हैं, कोल्हू का चर्रक चू, मतलब कोल्हू की आवाज ही जीवन की तान। तान मतलब होता है गीत या गाना। मतलब अब तो कोल्हू की आवाज ही हमारे जीवन का गाना बन चुकी है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और जब हम दिन रात पत्थर तोड़कर गिट्टी बनाते हैं तो उस गिट्टी में
देश को स्वतंत्र कराने की हमारी ये मेहनत हमेशा के लिए किसी गीत के रूप में छप जाती है। आगे की लाइन में कवि कहते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट उस मोटी सी लकड़ी को कहते हैं जो ओखली से बंधी हुई होती है, और जुआ मतलब होता है वो रस्सी जिससे बैल या कैदियों को मोट से बांधा जाता था। मतलब मैं दिन भर ओखली का मोट खींचता हूँ अपने पेट पर जुआ बांधकर, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और उन ब्रिटिशर्स को बड़ी अकड़ है कि वो हमें टॉर्चर करके हमें देश आज़ाद करने से रोक लेंगे, लेकिन मैं इनके सारे टॉर्चर को सह के इनकी अकड़ के इस कुएं को खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, मतलब दिन में तो हमें ब्रिटिशर्स इतना टॉर्चर करते हैं कि हमारे दिल में रुलाने के लिए भी करुणा को जागने का समय नहीं मिलता। इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। अब हमारे पास दिन में तो रोने का समय नहीं होता, इसीलिए तुम रात में आकर शोर मचा रही हो ना मेरी दोस्त, जिससे हम अपने दुखों को याद कर सकें और रो सकें। तो हमारे इस स्टैंजा में कवि कोयल को बताते हैं, तुम इन जंजीरों को देखकर उदास मत हो, ये कोई हथकड़ियाँ थोड़ी हैं, ये तो ब्रिटिश राज में हम स्वतंत्रता सेनानियों का गहना है, और जो कि हमारा सारा दिन इन ब्रिटिशर्स की अकड़ निकालते हुए टॉर्चर सहते सहते निकल जाता है, कभी कोल्हू का बैल बनकर तो कभी पत्थर तोड़कर। उस टॉर्चर के बीच हमें रोने का भी समय नहीं मिलता, इसीलिए तुम रात को हमें रुलाने आई हो ना। और ये रहा हमारा इस स्टैंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर, और आपका सवाल है, स्क्रीन पर दिख रही इस फोटो में इस मोटी सी लकड़ी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लट्ठा, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी मोट, या ऑप्शन डी लक्कड़। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी मोट। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी आधी पोयम। सबसे पहले तो खुद को शाबाशी दो, और उसके बाद खुद को 2 मिनट का रेस्ट, और फिर बढ़ते हम अगले पार्ट में बची हुई आधी पोयम की ओर।